अच्छा जी, आज जो है ना हम लोगों ने सोचा है कि आज हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट। ये लुकमान ने उठा लिया अब्दुल रहमान को अब, क्योंकि वो वॉक करते करते थक गया। Assalamu alaikum everyone and welcome back to another vlog. आपकी बात क्यों नहीं लग रही? ऐसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ये होती है एनर्जी भाई। हम लोगों को माइनस टू में कोई एनर्जी, मेरे जैसों को तो बिल्कुल नहीं है। मेरी तो इधर आइसक्रीम बन रही है, कुल्फी बन रही है, तो आपको पता है। चलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं और हमारी न्यूयॉर्क सीरीज को इंजॉय भी कर रही हैं। आज है माइनस टू लकीली, और हम दुआ कर रहे हैं कि हमारे जाने से पहले पहले एक बार स्नोफॉल हो जाए, क्योंकि अभी सब कह रहे हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती होती है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। क्या बात है, हमारे यहाँ जनवरी स्टार्ट हो गया एंड देयर इज नो स्नोफॉल इन न्यूयॉर्क। कोई बात नहीं, हमारे नसीब में होगी तो स्नोफॉल भी हो जाएगी। अब हम लोग आज निकले हैं आप लोगों को, चले पहले रोड क्रॉस करते हैं फिर बताते हैं। कम किड्स, चलो 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 चलो, रोड क्रॉस करनी है। अच्छा, अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि हम लोगों ने जब से यहाँ आए हैं कपड़े चेंज नहीं किए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने बस कपड़े तो रोज नहीं पहनते हैं, लेकिन जैकेट्स हम वही पहनते हैं। जैकेट्स जो है ना, आपको पता लुकमान की ये वाली है जो वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है और सर्दी बहुत अच्छी कवर करती है। अब्दुलरहमान की ये, मरवा के पास ऑप्शंस है इसलिए मरवा माशाल्लाह चेंज करती रहती है, और मेरे पास भी एक यही ऑप्शन है। और जो हम स्नो ट्यूबिंग के लिए, मैं अपना कोट पहन कर गई थी स्नो वाला, वो जो है वो तो आपको पता स्नो में ही पूरा ख़त्म हो गया था, ये लाइक गंदा हो गया था। तो ये बहुत ही कम्फर्टेबल जैकेट है, इस वजह से हम लोग इन्हीं में ही रहते हैं। और जब कभी हमें कपड़े वगैरह ऐसी कुछ पिक्चर्स लेनी हो तो नो प्रॉब्लम, हर कोई जैकेट उतार लेता है। अच्छा जी, आज जो है ना हम लोगों ने सोचा है कि आज हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट, जो सबवे और ट्रेन होती हैं वो ट्राई करते हैं। हम लोगों ने जाना है न्यूयॉर्क में जाना है, लेकिन हम लोग हैं इस वक्त मिडटाउन में, और यहाँ से हमें जाना है लॉन्ग आइलैंड तक, विच इज़ नॉर्मली ड्राइव है एक घंटा डेढ़ घंटे की ड्राइव है लॉन्ग आइलैंड तक की। और बाई ट्रेन या बाय लोकल ट्रांसपोर्ट अगर आप देखते हैं तो वो भी इतने की ही आ रही है, इतना ही टाइम आ रहा है। तो हमने सोचा कि आज करते हैं हम लोग, लेते हैं अपनी लोकल, यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट, और ट्राई करते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट कैसी है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी है, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, नथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो चलें आज ट्राई करके आपको बताते हैं कि कैसी जाती है हमारी ये लोकल। अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन सारी लुकमान को पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ जाना है, थोड़ा सा तो पता है ना। इस वक्त हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, पेन स्टेशन है एक वहाँ पर, और उधर से हमें पकड़नी है ट्रेन। तो ट्रेन टू लॉन्ग आइलैंड फ्रॉम मिड टाउन टू न्यू लॉन्ग आइलैंड। तो अभी हम जा रहे हैं पेन स्टेशन, वो है हमारे होटल से ऑलमोस्ट 12-13 मिनट की वॉक पर। ओह अन्ना वॉक, चले कोई नहीं, यहाँ पे तो नॉर्मल है। ट्रेन लेके हमने जाना है ब्रुक हेवन। ट्रेन लेके हमने ब्रुक हेवन जाना है। ओके, लाइक हम लोग टू ट्रेन चेंज करने वाले हैं? नहीं, अगर हम लोग यहाँ डायरेक्ट एक मेन स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट एक ही ट्रेन लेंगे। अगर हम मेन स्टेशन पे जाएंगे तो एक ही लेंगे, अगर हम सबवे से जाएंगे तो हमें अलग अलग ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सबवे से जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हम अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। बच्चों को ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं। उंगली रह जाती है ग्लव्स पहनाते हुए। सर्दी बहुत है, सर्दी हो गई, बहुत ज्यादा सर्दी है जिसकी वजह से। और आज इन्होंने शावर भी लिया था। हाँ, इंशाल्लाह बीमार तो नहीं होते। वैसे माइनस टू में धूप निकली हुई है, लेकिन वो उससे ऊपर ऊपर तक ही रहती है। ये देखे मरवा और अब्दुल रहमान ने पहन ली है कैप्स और ग्लव्स, क्योंकि सर्दी आज जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से कंपैरिजन में ज़्यादा है। जनवरी स्टार्ट हो गया, बस स्नोफॉल हो जाए एक दफ़ा उसके बाद हम चले जाएंगे। मैं भाग सकती हूँ लेकिन मैं भाग नहीं रही, क्योंकि मैं वॉक कर रही हूँ। 1-2-3 रन। इट्स फ्रीजिंग, लेकिन मरवा कहेगी कोल्ड नेवर बदर मी एनीवे। मैं अभी कल ही लुकमान को कह रही थी कि यहाँ पे मैंने बिरयानी का ढाबा लगाना है, मिल गई है बिरयानी, वो भी हलाल, बॉम्बे स्पाइसी चिकन बिरयानी।
अच्छा जी, अभी हम लोगों को हल्की 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 धूप नज़र आई है और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। धूप, आर यू कोल्ड, फीलिंग कोल्ड? और वो अब्दुलरहमान और लुकमान जा रहे हैं आगे फुल जमे हुए, आइसक्रीम जमी हुई है इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, वो इतने जम गए हैं कि वो बिल्कुल सीधा सीधा ही चलेंगे अब, अगर वो थोड़ा सा मुड़ेंगे तो बर्फ़ टूट जाएगी। ये लुकमान ने उठा लिया अब्दुलरहमान को अब, क्योंकि वो वॉक करते करते थक गया। वो देखें जी, ये आ चुकी है लॉन्ग आइलैंड रेल रोड सबवे, लॉन्ग आइलैंड रेल रोड सबवे। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर अपनी सबवे पिक करने, काफ़ी लंबी वॉक थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच्ड। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और आपको आगे अपडेट देते रहते हैं। पता नहीं, मैं बीच में व्लॉग बना रही थी, व्लॉग बनाते बनाते मोबाइल स्टक हो गया और कैमरा बंद हो गया, तो अब चले पहुँच गए हम। अभी 11:10 हो रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 15 मिनट्स हैं, हम टिकट वगैरह लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तकरीबन हमारे पास 15-20 मिनट्स हैं रोनकॉन कम्मा के लिए, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जाते जाते, लेकिन आज ये वाला एक्सपीरियंस भी करके देखते हैं। हमने एयरपोर्ट भी यहीं से जाना है ना, मरवा को कह रही, मरवा कह रही मुझे कि एयरपोर्ट लग रहा है। यार कैसी बात है कि हम लोग अपने बच्चों को दुबई मेट्रो में नहीं लेकर गए अभी तक, कि उनको सबवे स्टेशन दुबई में एयरपोर्ट लग रहा है। बच्चों जाते ही आपका एक ट्रिप लगवाएंगे मेट्रो में, आपके मामा और बाबा तो दुबई मेट्रो में बहुत घूमे हुए हैं, बहुत चले हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने मरवा अब्दुलरहमान को अभी तक मेट्रो में नहीं लेके गए, इसलिए अब उनको ये एयरपोर्ट लग रहा है। ये है LIRR लॉन्ग आइलैंड रेल रोड टिकटिंग एंड कस्टमर सर्विस। ये सारी, ये देखे जी, हम लोगों ने ले लिए पेन स्टेशन से रोनकॉन कमा की टिकट्स, और अभी तो 11:30 पे आएगा यहाँ पे, हमें पता लगेगा कि हमने कौन से ट्रैक पे जाना है, तो अभी 11:15 हो रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं। हर स्टेशन के ऊपर लिखा होता है कि टिकट फाइन, उसके पार्किंग फाइन, और साल टूर जो है टूर से बचने के लिए आप ट्रेन यूज करें। हाँ ये तो है, जब आपके पास अपनी गाड़ी होती है ना तो आपके टोल चार्जेस, देन आपकी पार्किंग फाइन, आपको हर तरह के अलग अलग किस्म के फाइन मिल सकते हैं, गाड़ी रखना एक्सपेंसिव हो जाता है इस तरह से, ये दुबई में भी है, यहाँ US में भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टोल से, आप फाइन से, पार्किंग फाइन और इन सब पैसों से, पेट्रोल के पैसों से बचें, तो ये जो टिकट्स होती है ना ये बहुत सस्ती होती है। कितने की मिली है हमें एक टिकट? 3 टिकट मिली है, 31। एक टिकट कितने की हुई? मैं एक टिकट ऑलमोस्ट $10 की टिकट पड़ी है हमें। हाँ $10 में आप इतनी दूर जा रहे हैं, आप कितने का पेट्रोल लगा के गए थे, टोल्स भी पे किए थे आपने, इट्स वे लेस देन आप गाड़ी में जाएं, तो ये जो है ना ज़्यादा सस्ती पड़ती है जो रेलवे होती है इनकी। ये देखे मरवा अब्दुलरहमान, इनका जहाँ दिल करता वहीं बैठ जाते हैं। क्या हुआ? ये आपने अमेरिका से एयरप्लेन लिया, इस एयरप्लेन में बैठ के आप वापस दुबई जाओगे? चले, हमारा जो ट्रैक है रोनकॉन कॉमा का, वो ट्रैक 18 पे आ रहा है, तो हम यहाँ से जो है ना मूव करने लगे हैं। चलो किड्स, अपनी अपनी चीज़ें उठा लो और आ जाओ। चले, यहाँ पे है हमारे ट्रैक्स 13-19, तो हमने जाना है 18 पे। ये आ चुकी है ट्रैक 18, ये हमारी ट्रेन है, यही है ना। चलो, ये बैठ गया है अब्दुलरहमान, मरवा। हमारा तो प्लेन्स में भी यही हाल होता है कि हमें अलग अलग बैठना पड़ता है, और रेलवे स्टेशन पे भी 3 वाली भी थी तब भी, 2 वाली में भी तब भी, लेकिन चलो इट्स ओके, आई हैव माय किड्स, आई हैव माय क्यूट किड्स। मामा जी, आई सेड। अच्छा, अभी हम लोग बैठ गए अपनी ट्रेन स्टेशन पे, यहाँ पे हमें कितना टाइम लगेगा जाते हुए? तकरीबन 1 घंटा लगेगा, है ना, 1 आवर। तो 1 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे और आपको आज अपना ट्रेन का ये एक्सपीरियंस भी दिखाते हैं। सो फार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, साफ़ सुथरी ट्रेन है, मरवा अब्दुलरहमान इजी होके कंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं। यस, यस, मरवा की बर्थडे आ रही है फरवरी में। वो देखे टिकट्स चेक हो रही है सबकी।
अब आप यहाँ से न्यूयॉर्क देखो बच्चों, व्यू तो आना नहीं, गंदे शीशे वो होंगे, अंडरग्राउंड जो चल रही थी। चलें जी, अभी मैं आ गए, हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए। हमने कहा हम अपनी गप्पे मारते हैं, उमर व अब्दुलरहमान वहाँ अपना खेलेंगे टॉयज के साथ, तो हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, गप्पे मारते हैं और अपना सफ़र इंजॉय करते हैं, क्योंकि ज़रा लंबा सफ़र है। बस ये ध्यान रहे कि हमने कहाँ उतरना, ये ना हम इधर बैठे रह जाए। समझ तो आ रही है और मज़ा भी आ रहा है, इट्स लाइक बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने लाइक न्यूयॉर्क में रहना ना, स्पेशली मैनहट्टन वैली साइड पे, तो आपको गाड़ी लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पेन स्टेशन और ये सब कुछ बहुत ही क्लोज होता है आपके, तो आप बहुत ईजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये देखिए अब्दुलरहमान मेरे पास सो गया, बाकी हम सब जाग रहे हैं। ये देखिए बाहर का व्यू दिखा देते हैं आपको, हमारा स्टेशन आ गया, आई मीन आने वाला है रॉनकॉनकामा। चलें जी, हम अब अपने स्टेशन की तरफ पहुंचने लगे हैं। बड़ा मज़ेदार सफ़र था, बड़ा कंफर्टेबल सफ़र था, और अब्दुलरहमान को मरवा उठा रही है, वो आराम से उठेगा। सफ़र हमारा बड़ा अच्छा था, कंफर्टेबल था, मज़ा आया। अब बस हम अपने स्टेशन पर उतरेंगे और फिर आपके साथ मिलेंगे। ये लास्ट स्टॉप है, चले हम पहुँच गए अपने स्टॉप पर। आ जाओ अब्दुलरहमान, आई विल होल्ड यू, होल्ड माई हैंड। इधर से हमने टिकट लेके वापस भी जाना है, तो आपको अपने साथ ही रखेंगे। अब हम लोगों ने ट्रैक टू, आ जाओ इधर आ जाओ, आओ इस तरफ चलते हैं, नहीं तो अब हमने देखना कि हमने यहाँ से जाना एग्जिट किस तरफ। हाँ इधर भी, और चलो चलो चलो, अब हम लोग यहाँ से एग्जिट होने लगे हैं। ये थी हमारी ट्रेन, और ट्रेन का सफ़र तो सही बताएं तो बड़ा मज़ेदार था, बहुत अच्छा था और बड़ा कंफर्टेबल था। आप जिसको कहते हैं ना साफ़ सुथरा कम्फर्टेबल, कोई शोर शराबा नहीं। अब्दुलरहमान तो सोया हुआ गया है ना, अब्दुलरहमान अब ये जा रही है ट्रेन। वो देखिए लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, मेजॉरिटी लोग जो है ना इधर पार्किंग लगाते हैं अपनी गाड़ियों को और ट्रेन पे निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रेन का सफ़र आपको पता है वो अच्छा होता है, कम पैसों में भी होता है और बड़ा कंफर्टेबल होता है। अगर अच्छी ट्रेन हो तो फिर बहुत कम्फर्टेबल होता है, और ये अच्छी ट्रेन थी, कम्फर्टेबल था सफ़र, कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ। चलो जी अब हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ पर सन आ रहा है ना, कितना अच्छा फील हो रहा है ना। वो असल में जहाँ हम रहते हैं ना मरवा, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, तो वो बिल्डिंग्स की वजह से सन नहीं आता है, बट अभी तो आ रहा है और अच्छा लग रहा है ये सूरज। बेसिकली ये व्लॉग हमने आपके साथ इसलिए शेयर किया है जस्ट टू शो यू कि ये जो ट्रेन वाले सफ़र, जो यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत अच्छी है, और यहाँ पर ज़्यादा अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तब भी आप एक बहुत अच्छा और कम्फर्टेबल सफ़र कर सकते हैं, एंड दैट टू इन लेस मनी। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी यहाँ पे आए, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी है। टैक्सीज़ वगैरह से आपको बहुत सस्ती पड़ती है, ऊबर और दूसरे बहुत बहुत एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे, तो ये बेस्ट रहती है। और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Later that same evening. चले जी, हमने ले ली है वापसी की टिकट्स, और ये देखिए पूरी खाली ट्रेन है, इधर हम लोग ही जा रहे हैं। टिकट्स चेक होंगी अभी हमारी, और उसके बाद फिर मरवा की $1 की टिकट है, और मेरी और लुकमान की है $15.25 की। मैंने सुबह पहले गलत बता दिया था आपको, लेकिन हमारी जो है ना ये प्राइस है, ये टिकट्स आप दे दें। हम लोग अब जा रहे हैं अपने होटल वापस, और आपके लिए ये सफ़र जो है हमने रिकॉर्ड किया था कि आपको बताएं कि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा जाता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए अच्छा कॉन्टेंट भी लेकर आते हैं और अपने कॉन्टेंट में इम्प्रूवमेंट भी लेकर आते हैं। मरवा को आ रही है इस टाइम बहुत ज़ोर की नींद, और लुकमान रेडी हो रहे हैं कि बच्चे उठा के लेके जाने हैं होटल तक। अब्दुलरहमान यहाँ पर बिल्कुल सोने लगा है, इसलिए आप सबको हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।